वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ में दो की मौत। मंगला आरती के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर दम घुटने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार में हुई है। SSP अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। शिवा चौधरी की रिपोर्ट। चलो, अब बिहारी जी आए थे दर्शन करने, कितने बजे गए थे? 2 बजे क्या हुआ वहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल में भी कौन लाया, किस समय पहुँचे, मुझे कुछ कितने बजे की घटना थी ये? 2-2.5 बजे आरती के लिए आए थे। और कौन कौन लोग आए थे आप लोग? हम फरीदाबाद से 4-5 लोग आए थे जी। तो 4 नंबर गेट पे गुसाइन जी का बैठने का आसन है, वहाँ पे हम बैठे रहे थे 1 बजे तक। वहाँ से हम 5 नंबर गेट है उधर की तरफ निकले थे। जब 1:45 के करीब गेट खुला तो वहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर की साइड में जाने के लिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से भीड़ आई थी, इधर से 5 नंबर से भीड़ आई थी। तो हमारे साथ में जो 4-5 लोग थे जो भीड़ के बचाव में आके फंस गए, घबरा गए, बहुत से लोग नीचे भी गिर गए। और इतनी भीड़ थी उसमें मैं खुद परेशान हो गया, उसमें मैं खुद घबरा गया। तो मेरे साथ में भी अच्छे अच्छे लड़के थे, वो भी घबरा गए। हिम्मत लगा के हम तो लेडीजों को बाहर निकाल लाए, गंभीर हालत थी उनकी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया एमरजेंसी में। 108 पर कॉल करके गाड़ी आई थी। नहीं, अच्छा देवपाल जी बताओ कि ये होते समय की, ये दर्शन खुलते ही समय की घटना है। आरती स्टार्ट होगी तभी आरती एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच गई थी? एम्बुलेंस 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। ये बताइए जो जी मंदिर, तो पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? भीड़ है बाहर, पुलिस प्रशासन लगी हुई थी अपने अपने ड्यूटियों पर। जो सुविधा है बिहारी जी की मंदिर की वो सही ठीक कराई जाए सारे, क्योंकि वो सारी सुविधा अभी मेरे हिसाब से गलत है। अभी बताया जा रहा है लगभग, हाँ 2-3 लोगों की अभी जिला अस्पताल में मायावती हॉस्पिटल में 2-3 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी अब जो बात कमी यही है, जब हमारा 3 नंबर और 2 नंबर गेट है उससे एंट्री करते हैं और वो दर्शन करके 1 नंबर से निकल जाते हैं, और 5 नंबर से जो आते हैं दर्शन करने के लिए उनको 4 नंबर से निकलना चाहिए। उनके लिए रेलिंग का बड़ा रेलिंग लगाना चाहिए उनको, जो 2-3 नंबर की भीड़ 5 नंबर की तरफ ना आए, इसकी वजह से हादसा हुआ है। भीड़ को कंट्रोल ना करने के कारण भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई यहाँ पे। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लगी होगी कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्जिट रहता है, तो जो एग्जिट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सपोर्ट अपना ह्यूमिडिटी और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी उनके द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा, उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्जिट नहीं हो पा रहा था,
हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय उनको निकाला गया। लेकिन क्योंकि दो एग्जिट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी उतना भीड़ की एंट्री रहती है, एक एग्जिट में जो गेट था हमारा वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था उनको निकालने के समय के लिए। उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या आ रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया, काफ़ी लोग बाहर आए खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से दो व्यक्ति जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्या की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल में सब ठीक है, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल हीट से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ तो ठीक हो गया, फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई।